तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनरिचमेंट एंड एनरिचमेंट फैक्टर की। देखिए हमने ग्राम से इतना तो सीख लिया कि कोई भी हल्की गैस है, लाइट है, वो ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में डिफ्यूज़ होती है। तो जब वो बाहर ज़्यादा जाती है तो उसकी कंसंट्रेशन अंदर के कंपेयर में बाहर की तरफ बढ़ना होता है या कम होना होता है, बढ़ना होता है, और वही मेरे लिए कहलाता है एनरिचमेंट कॉन्सेप्ट्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि कंसंट्रेशन हर एक स्टेप्स के साथ बढ़ती जाए, तो धीरे धीरे जो लाइट गैस है वो और ज़्यादा आगे की तरफ क्या होती जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एक हैवी गैस और लाइट गैस को आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस कंसेप्ट का यूज़ मैं हीलियम और नियोन या हीलियम और आर्गन गैस को सेपरेट करने में यूज़ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो चलिए इस कंसेप्ट को कैसे समझ रहे हैं, तो पहले तो इनरिचमेंट का मतलब क्या है समझ लीजिए। इनरिचमेंट मीनिंग यानी कि इस जगह इनरिचमेंट का मतलब है इस जगह कि द कंसंट्रेशंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइटर गैस इंक्रीजेस इन मिक्सचर, ये काम है हमारा इसका। तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल ये रहेगा कि हमारे पास ये गैस है जिसमें G1 है और G2 है। आपने एक अलग से कंटेनर जिसमें अभी वैक्यूम है, यहां क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, यहां वैक्यूम है। तो जैसे ये डिफ्यूज होगी, अभी डिफ्यूज नहीं हो रही है क्योंकि वॉल लगा हुआ है, वॉल हटाते ही गैसेस क्या होने लगेगी, डिफ्यूज होने लगेगी। तो जब गैसेस डिफ्यूज होगी, मान लीजिए यहां रेशियो इनका क्या है, N1 है, और रेशियो क्या है, N2 है। तो एक तरफ N1 है और एक तरफ क्या है, N2 रेशियो है, इज दैट क्लियर। तो जब आपके पास यहां पर रेशियो N1 N2 है, तो धीरे धीरे ये तो स्टेप फर्स्ट हुआ, तो जब स्टेप फर्स्ट हुआ तो यहां रेशियो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यहां रेशियो हो जाएगा इस तरफ, थोड़ी सी देर में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह के कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगा, पिस्टन अब भर के यहां आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आएगा। तो जब पिस्टन यहां आ जाएगा धीरे धीरे डिफ्यूज होने की वजह से, तो यहां जो गैसेस हैं उनका रेशियो क्या होगा, मान लीजिए वो रेशियो मेरे पास N1 अपॉन N2 है, वो रेशियो क्या है, N1 अपॉन N2 डैश है। तो ये N1 और N2 डैश की वैल्यू क्या होगी, आप ही मेरे को बताएं। तो ये हमारे पास पुराने वाले रूल से हम कर सकते हैं, N1 अपॉन N2 रूट मोलर मास ऑफ, किसका आएगा मोलर मास ऊपर की तरफ, जो Z2 अपॉन Z1, या सुनो, इज दैट क्लियर। तो अब हमारे पास जो यहां गैस का रेशियो है, दोनों गैस का G1 एंड G2, वो रेशियो इस तरह से चेंज हो चुका है। और फर्स्ट कंटेनर में क्या रेशियो होगा इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ, सेकेंड कंटेनर में हमारे पास ये रेशियो होगा, ये फर्स्ट हो गया स्टेप फर्स्ट, बोलो या सुनो। अब स्टेप टू, ये काम एक बार और हम करना चाहते हैं। हमने क्या करा, इसका वाल्व खोल दिया और इसका वाल्व वापस लॉक कर दिया, तो जैसे ही ये वाल्व वापस जैसे निकाला था वैसे ही हमने लगा दिया, तो अब इसका इससे कोई लिंक नहीं रहा, अब ये अपने आप में क्या हो गया, सेपरेट वॉल है, सेपरेट वॉल है। तो यहां अब हमारे पास पहले क्या था उससे हम भूल गए, अब यहां क्या रेशियो है हमारे पास, N1 अपॉन N2 M2 अपॉन M1, अब ये रेशो हो गया, और सेम वैसा का वैसा ही सिस्टम दोबारा बना दिया हमने, और फिर वही पिस्टन वाला सिस्टम हम लेके आए जिसमें शुरुआत में यहां पर क्या है, वैक्यूम है। और ये मूव करने लग जाएगा उस तरफ, या सुनो। तो अब बताइए जब ये चीज इस तरह से चेंज हो जाएगी, किस तरह से चेंज हो जाएगी, यहां पर भी गैस भरेगी, इस जगह की बात कर रहा हूं,
तो बताओ यहां पर क्या आएगा? यहां हमने मान लिया n1 डबल डैश अपॉन n2 डबल डैश, जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा? पुराने वाला रेशियो मल्टीप्लाई बाय एक और कमेंट, यानी हमारे पास आ जाएगा n1 अपॉन n2 रूट m2 अपॉन m1 तो था ही, अब एक और बार मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट m2 अपॉन m1। ये प्रोसेस मैंने n टाइम्स किया, तो अगला पॉइंट क्या बनेगा? आफ्टर n नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी n फाइनल n1 अपॉन n2 फाइनल लिखो आप, इज इक्वल टू क्या होगा n1 अपॉन n2 इनिशियल ब्रैकेट में m2 अपॉन m1 पावर n। क्या मैंने सही लिखा? बोलो हाँ, मैं गलत लिखता भी नहीं हूं, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूला बन जाएगा, इसको इस प्रोसेस को बोलेंगे इनरिचमेंट। इसको क्या बोलेंगे? इनरिचमेंट। और ये जो फैक्टर है जिससे बार बार रिच हो रहा है इसको बोलेंगे इनरिचमेंट फैक्टर, एनरिचमेंट फैक्टर। और एन यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स, जो मैं पहले ही बता चुका, ठीक है? भाई आपका ये कहने का मतलब है एनरिचमेंट क्यों हो रहा है, हल्की गैस क्यों रिच हो रही है? सही है। देखो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हल्की गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ। तो मान लीजिए शुरुआत में उनका रेशियो 1:1 था, समझ में आ रहा है? और मान लीजिए जीवन हल्की है, जीवन हल्की है, तो ये वाला मोलर मास उस तरफ जाएगा। तो बताइए यहां रेशियो 1:1 था शुरुआत में, ये शुरुआत वाला है 1:1, अब ये वाला रेशियो 1:1 रहेगा या इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, हो गया ना रिच, इसलिए मैं इसको रिचमेंट बोल रहा हूं। और कोई डाउट? यानी द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटर गैस, आप क्वांटिटी ना लगाएं तो भी चल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लाइटर गैस इंक्रीजेस बाय डिफ्यूजन, अब क्लियर है कंसेप्ट? और मोर नंबर ऑफ डिफ्यूजन मोर इंक्रीजेस, मोर नंबर ऑफ डिफ्यूजन मोर इंक्रीजेस, अब सही है? क्वांटिटी वाइज कम होगी लेकिन कंसंट्रेशन वाइज बढ़ती चली जाएगी, हेवी गैस का रेशियो कम होता जाएगा। अभी यहां पर 1:1 में था, अब चेंज होता जाएगा, सेपरेट होती जाएगी। चलो ठीक है, ये यहां पर 1:2 दे दिया जाए, अब क्या होगा? यहां 1:2 है तो यहां क्या होगा? 1:2, मान लीजिए ये वाली गैस हल्की है, क्योंकि हल्की है तो यहां पर क्या होगा? कुछ भी होगा, 10:5 हो गया। तो ये क्वांटिटी जो 1:2 है वह पहले के कंपेयर में तो अलग हो गया, फिर उसके बाद फिर अलग हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। तो जो हल्की गैस थी उसकी क्वांटिटी हो सकता है एक समय ज्यादा हो जाए भारी वाली से। अच्छा क्वेश्चन है, और बोलो।